नेक्स्ट हम लोगों का वर्ड है व्रत रखना या उपवास, को इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। फास्ट मतलब उपवास रखना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का उपवास रखना। ऑब्जर्व फास्ट मतलब व्रत रखना। अब जो करवा चौथ आ रही है, लेडीजें रखती हैं व्रत। व्रत को इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। फास्ट मतलब उपवास रखना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, वर्ड नहीं मतलब एग्जाम्पल है, क्या तुमने आज व्रत रखा है? हैव यू ऑब्जर्व ए फास्ट टूडे? क्या आज तुमने व्रत रखा? हैव यू ऑब्जर्व ए फास्ट टूडे? नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का व्रत तोड़ो। व्रत तोड़ो मतलब हम लोग व्रत रहते हैं करवा चौथ को और शाम को व्रत तोड़ते हैं, उसे कहते हैं ब्रेक द फास्ट। ब्रेक द फास्ट मतलब व्रत तोड़ो। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का अपमना उपवास तोड़ो। ब्रेक योर फास्ट मतलब चांद देखने के बाद लेडीजें अपना व्रत तोड़ देती हैं। पति पानी पिलाता है, उसके बाद व्रत टूट जाता है, उसे कहते हैं ब्रेक योर फास्ट, उपवास तोड़ो। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का दीर्घ आयु। लॉन्गविटी मतलब दीर्घ आयु। दीर्घ आयु लॉन्गविटी मतलब दीर्घ आयु, लंबी आयु। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का पूजा सामग्री। जो करवा चौथ की पूजा सामग्री होती है, उसे कहते हैं वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल मतलब पूजा सामग्री। वर्शिप मटेरियल पूजा सामग्री। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का पूजा की थाली। जो चलनी लोटा प्लेट होती है करवा चौथ की, उसे कहते हैं वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट मतलब पूजा की थाली। पूजा जो करते हैं हम लोग, थाली लोटा चलनी करवा चौथ को, उसे कहते हैं वर्शिप प्लेट। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का करवा। जो मिट्टी का करवा होता है, जो हम लोग जब शाम को पूजा करते हैं उसमें मिट्टी के कलश रखते हैं, उसे कहते हैं अर्थन पॉट। अर्थन पॉट मतलब मिट्टी का कलश या करवा। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का ढक्कन। जो करवा में आप ऊपर ढक्कन देख रही हैं, जो उससे झका है, उसे कहते हैं लिड। लिड मतलब ढक्कन। ढक्कन लिड। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का चलनी। सीप। सीप मतलब चलनी। जब चांद को देखने के बाद इससे पति देखते हैं, उसे कहते हैं शिव। शिव मतलब चलनी। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का दीपक। दीपक मिट्टी का भी हो सकता है, पीतल तांबे का भी हो सकता है। दीपक, दीपक को इंग्लिश में बोलते हैं लैम्प। लैम्प मतलब दीपक। दीपक मतलब लैम्प। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का रुई की बाती या कपास की बाती, उसे कहते हैं कॉटन बिक। कॉटन बिक मतलब रुई की बाती। जो हम लोग गोल बाती जलाते हैं, उसे कहते हैं कॉटन बिक, रुई की बाती। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का अगरबत्ती। अगरबत्ती को या धूप बत्ती भी बोल सकते हैं। बस अगरबत्ती में स्टिक लगा है, उसमें इंसेंस। स्टिक मतलब अगरबत्ती। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का लोटा। पानी का लोटा या स्टील का लोटा या तांबे का लोटा। राउंड वाटर पॉट। राउंड वाटर पॉट मतलब लोटा, जिसमें पूजा भी करते हैं लोटा। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का श्रृंगार की वस्तु, मेकअप आइटम। श्रृंगार की वस्तु लाली, लिपस्टिक, कलर, चूड़ी, नेल पेंट वगैरह श्रृंगार की वस्तुएं, उसे कहते हैं मेकअप आइटम। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का मेहंदी। मेहंदी जो करवा चौथ पे, मेहंदी। मेहंदी को इंग्लिश में कहते हैं हिना।
हिना मतलब मेहंदी, ये सुहाग का सामान में मेहंदी भी आती है, मेहंदी, मेहंदी मतलब हिना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का सिंदूर। सिंदूर को इंग्लिश में बोलते हैं वारमिलन, वारमिलन मतलब सिंदूर, जो सुहाग की निशानी होती है उसे बोलते हैं सिंदूर, वारमिलन, वारमिलन मतलब सिंदूर। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बिंदी। बिंदी जो सुहागिन स्त्रियाँ लगाती हैं अपने फोरहेड पे, बिंदी, बिंदी को इंग्लिश में बोलते हैं बिंदी। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का काजल। काजल, काजल को इंग्लिश में बोलते हैं कोहल, कोहल मतलब काजल, काजल, कोहल, कोहल मतलब काजल। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का नेल पॉलिश। नेल पॉलिश को इंग्लिश में कहते हैं नाखूनी, जो हम लोग नेल को पेंट करते हैं उसे बोलते हैं नेल पॉलिश। नेल पॉलिश को इंग्लिश में बोल हिंदी में बोलते हैं नाखूनी। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का लिपस्टिक। लिपस्टिक जो हम लोग लिप पर लगाते हैं उसे बोलते हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक को हिंदी में बोलते हैं लाली, लाली मतलब लिपस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का बिछिया। बिछिया जो सुहाग के सामान का एक हिस्सा है उसे बोलते हैं टूरिंग। टूरिंग मतलब बिछिया, बिछिया मतलब टूरिंग। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का पायल। पायल को इंग्लिश में बोलते हैं एंकलेट। एंकलेट मतलब पायल, पायल, पायल को बोलते हैं इंग्लिश में एंकलेट। एंकलेट मतलब पायल। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का महावर। महावर को इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा। अल्ट्रा मतलब महावर, महावर जो सुहाग की निशानी है पैर में लगाते हैं महावर। अल्ट्रा मतलब महावर। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का चूड़ी। चूड़ी जो हाथों में पहनते हो उसे बोलते हैं बैंगल। बैंगल मतलब चूड़ी, चूड़ी मतलब बैंगल। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का कॉम। कॉम मतलब कंगा। कंगा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम, कॉम, कॉम मतलब कंगा। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का मंगलसूत्र। मंगलसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग चेन। वेडिंग चेन मतलब मंगलसूत्र, मंगलसूत्र मतलब वेडिंग चेन। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का शुभ समय या शुभ मुहूर्त, जब पंडित जी निकालते हैं उसे बोलते हैं ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम को बोलते हैं शुभ समय या शुभ मुहूर्त, ऑस्पिशियस टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का मून राइज। मून राइज मतलब चंद्रोदय, मतलब मून राइज। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का पैर छूना। पैर छूना को इंग्लिश में बोलते हैं टच फीट। टच फीट मतलब पैर छूना। बहुएं अपनी सास का आशीर्वाद लेती हैं और सुहाग का सामान मिलता है, टच फीट मतलब पैर छूना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का आशीर्वाद। आशीर्वाद को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का फरा। बहुत सी जगह पे करवा चौथ को ये डिश बनती है फरा। स्टीम्ड लैटिन्स स्टफ्ड डम्पलिंग मतलब फरा। नेक्स्ट कमेंट करिएगा कि व्रत खोलना और करवा को क्या कहते हैं। राइट डाउन कमेंट में आंसर ज़रूर भेजिएगा।
और बताइएगा नेक्स्ट वीडियो हम किस पर बनाएं। थैंक यू वॉचिंग।